छोटों और बड़ों को हमारी तरफ से नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तफरी विद करुण मंजी। आज हम आए हैं वापस एक नए एपिसोड के साथ सराफा बाजार इंदिरापुरम गाजियाबाद, और आज हम एक स्पेशल शूट करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि सिर्फ चाँप के ऊपर बेस्ड है। यहाँ सबसे ज़्यादा काउंटर्स जो हैं वो चाँप के हैं, और हम उस काउंटर पे खड़े हैं जो यहाँ सबसे पुराना है। 10 से 11 साल ये चाँप का काउंटर है जो पुराना है, और उस चाँप काउंटर का नाम है मोंटू चाँप वाला। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back, I swear. So friends, हम आज आए हैं शूट करने चाप का, और ये हैं स्टॉल, दो स्टॉल हैं यहाँ पे मोंटू चाप वाले के। एक ये यहाँ पे हैं जो इनकी प्रिपरेशन चल रही है, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर इनकी ग्रेवी चाप तैयार हो रही है। भैया, ये कौन सी ग्रेवी चाप ही है? काठी कबाब। काठी कबाब, हाँ। तो एक काठी कबाब ही सर्व करते हैं, काठी कबाब के ये कबाब तैयार हैं और साथ में ये ग्रेवी है। तो आइए बात करते हैं जो ये काउंटर चलाते हैं, ये मोंटू भैया हैं। मोंटू भैया जी सर, कितने साल से लगे हो यहाँ पे? 11 से 12 साल हो गए सर। 11-12 साल हो गए जी सर। और सबसे पहले आप ही आए थे या और भी कुछ था यहाँ पे? यहाँ पे थे 3-4 क्वार्टर पहले थे। अच्छा। उसके बाद हमने लगाया तो लोगों को पता नहीं चाप क्या होता है, धीरे धीरे करके लोगों को टेस्ट कराया, टेस्ट अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बनती चली गई, चैन से बनती चली गई। आज का डेट ऐसा हो गया कि जो है आज इतना रश को हो गया चाप कम्पटिशन में, बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। और इसके साथ साथ मैंने 1 से 2, 3, 4, 5 दुकानें डाल। अच्छा, और कहाँ कहाँ हैं आपकी ये दुकान? एक मेवाड़ कॉलेज वसुंधरा में है। अच्छा। सेक्टर 4 में, और आपके ये शॉपिंग प्लाजा में है, और आपके ये क्रॉसिंग मार्केट में। 4 फ्रेंचाइजी डाल। 4 फ्रेंचाइजी हैं इनकी और यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी जी सर। अच्छा, आपके पास क्या क्या वैरायटी है? मेरे पास मलाई सोया चाप बेटर होगा, अफगानी मलाई सोया चाप बेटर होगा, पनीर टिक्का है, और स्टफ मलाई चाप तो इट लास्ट बहुत बढ़िया है। मैंने देखा आप रोल्स भी बनाते हो। जी सर, रोल तो फेमस है। किस चीज़ के रोल हैं? सोया चाप रोल, अफगानी मलाई सोया चाप रोल बेटर होते हैं। 120 में 4 पीस देते हैं हम। अच्छा। और 70 में 2 पीस देते हैं। 120 में 4 पीस और 70 में 2 पीस। जी सर, और स्पेशल वाली कौन सी चाप है आपके पास? स्पेशल चाप हमारी स्टफ मलाई सोया चाप है, और अफगानी मलाई सोया चाप है, बेटर होल। हम भी अब इनकी स्टफ चाप जो है वो ट्राई करते हैं। सर, काठी कबाब हैदराबाद से मशहूर काठी कबाब बनाते हैं हम। ये 70 में 2 पीस काठी कबाब प्लस 2 रुमाल रोटी के साथ। भैया, क्या बना रहे हो? मलाई सोया चाप रोल बना रहे हैं सर, अफगानी मलाई सोया चाप रोल। तो ये एक प्लेट में कितने होते हैं? 4 रोल होते हैं सर। ये 4 रोल का पूरा मसाला है? हाँ जी सर। अच्छा, अफगानी है तो आपने ये रोस्ट कर लिया है? रोस्ट करके काट दिया है। इसमें प्याज पड़ेगा, प्याज डाल दिया मैंने रोल के। माफी, ये आपका मसाला है? मसाला है, ये चाट मसाला है। ओके, ये भी सारे मसाले हैं इनकी। ये हो गया बटर, आपका बटर डाल दिया। हाँ, ये अमूल क्रीम हो गई आपकी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सब कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं हम। अमूल की क्रीम है। बटर कौन सा यूज़ करते हो आप? अमूल बटर होता है ये, हमारा चाप का स्पेशल मसाला बना है, खुद का होता है। चाप की चटनी है ये? जी, चाप के मसाला बनाते हैं हम। अच्छा, जिससे मतलब मेन फ्लेवर और टेस्ट आता है? मेन फ्लेवर और टेस्ट जो आता है इसी से आता है। चटनी ये किस चीज़ से बनती है? सर, ये हम स्पेशल खुद बनाते हैं। तो ये इसके बाद इन्होंने दोबारा इसको एक बड़ी रोस्ट करने के बाद दोबारा ये रीहीट कर रहे हैं, ताकि वो अंदर जो क्रीम है और जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसके बाद ये जो है इसको रुमाली रोटी है, देख सकते हैं ये रुमाली रोटी, इसके अंदर लगा के रोल बना के सर्व करेंगे। ये ऊपर बटर लगाया है ताकि ये थोड़े से करारे हो जाएं। करारे के लिए करने के लिए करारे करने के लिए ताकि सही से रोस्ट क्रिस्पी ना आ जाए, कोई हीट करें तंदूर के अंदर। मंजीत, देखा तूने पहले इसके अंदर बटर, पूरा बटर भरा पड़ा है, और ये तू मेरे को खिला रहा है बटर।
चल कोई नहीं, मेरे को पता तुमने खाना नहीं है, बट इसलिए तुमने मेरे को गाय टेस्ट करने के लिए। मेरे से बड़ा फूडी तू है। तो फ्रेंड्स मैंने टेस्ट किया है स्टफ मलाई चाप जो भैया ने बताया था, स्टफिंग बहुत बढ़िया है इसके अंदर, पनीर ड्राई फ्रूट का मटर का जो टेस्ट है वो प्रॉपर आ रहा है, सबसे जो क्रीम और जो इन्होंने बटर डाला है वो तो फुल ऑफ टेस्ट है, चटपटा पूरा है। जो उन्होंने अपनी स्पेशल चटनी डाली थी हल्की तीखी और खट्टी थी, उसका भी प्रॉपर फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। तो ओवरऑल फ्यूजन जो है बहुत अच्छा है, ऐसे स्नैक्स खाने के लिए टोटली रिकमेंडेड। साथ में भैया ने चटनी और प्याज दिया है। सो फ्रेंड्स हम अपनी अगली नेक्स्ट जो आइटम ऑर्डर करी थी वो टेस्ट करते हैं, अफगानी मलाई चाप रोल। अब टेस्ट करते हैं इसको। फ्रेंड्स जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका टेस्ट है, इसके अंदर पूरी मलाई भरी हुई है जो भैया ने क्रीम डाली थी, साथ में चाप के छोटे टुकड़े डालते हैं, अपना फ्यूजन मसाला, मसाला वही था जो पहले हमने टेस्ट किया था, टेस्ट भी है बढ़िया है कि रुमाली रोटी के साथ गरम गरम खाने में एक अलग ही मज़ा आया है, हल्की सी करारी है रोटी जो उन्होंने बटर लगा के उसको करारा किया है तंदूर में, और टेस्ट जो है इसका बिल्कुल मलाई की तरह एकदम ओवरऑल रिकमेंडेड है। तो मैं दोनों को टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। आप आइए यहाँ पर टेस्ट करिए। सो फ्रेंड्स ओवरऑल हम अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया खाने का, इसका टेस्ट है, आप यहाँ पर आइए टेस्ट करिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। और जाते जाते दोस्ती निभाओ, खाओ पियो ऐश करो और करते रहो तफरी मंजीत और करुण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। So I am up above the clouds. So I can't see the ground. So I am coming down. So no I am coming down.